और अब खबर बिहार से। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि स्थिति जल्द ही साफ हो जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन में भी कई दलों में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर दोनों ही एनडीए का हिस्सा है। जेडीयू कह चुकी है कि लोकसभा की 16 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और बीजेपी से इसको लेकर बातचीत हो गई है, लेकिन चिराग जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी उन्हें मिलने की संभावना कम है। रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधनों में आपसी राज साफ दिख रहा है। एनडीए गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों के घटक दल आपस में एक मत नहीं है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो पा रही। पहले बात करते एनडीए की, तो एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। चिराग पासवान 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी 3 सीट से कम पर मानने वाले नहीं दिखते, जीतन अम्बाजी भी 4 सीटों की मांग कर रहे हैं, पशुपति पारस की पार्टी भी 3 सीटों से कम पर सहमत नहीं हो रही। पेच यही फंस गया है। एनडीए में नीतीश कुमार के आने के बाद अब ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि बाकी घटक दलों को कैसे साथ रखा जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि कोई विवाद नहीं है, किसी की नाराजगी नहीं है, पार्टी की इंटरनल बैठक के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, जब सभी से वार्ता कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। आरजेडी की तरफ से जवाब में भाई वीरेंद्र कहते हैं कि सब कुछ समय पर हो जाएगा। तेजस्वी यादव की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ फैसला कर ले, उसके बाद जब हमारे तरफ आएंगे तो हम विचार करेंगे और हमारे नेता विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जिसको सम्मान मिलता नहीं है, जो मेरे यहाँ था, मैं सम्मान और हमारी पार्टी हमारा गठबंधन सम्मान देने का काम करता है। दूसरी ओर एनडीए में सीट बंटवारा नहीं होने पर आरजेडी खेमे में उत्साह है। आरजेडी की ओर से लगातार दावा हो रहा है कि चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय इसे सिरे से नकार रहे हैं। ये पहले से इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है, आप सब लोग देख रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए जो विजन तेजस्वी यादव जी ने लेकर के आया, 17 साल में जो नहीं हुआ एनडीए की सरकार में, वो 17 महीना में तेजस्वी यादव जी के विजन के कारण 5 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिला। तो काहे नहीं तेजस्वी जी के साथ चिराग जी आएंगे। चिराग जी आए, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। चिराग जी भी युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, और बिहार के विकास के लिए, नया बिहार का निर्माण के लिए, युवा बिहार का निर्माण के लिए दोनों लोग अगर साथ आते हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं। कोई नाराज नहीं है एनडीए में, कोई नाराज नहीं है, या कहीं से कोई भ्रम फैला रहा होगा, कहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है, मजबूती के साथ है। कहा जा रहा है और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 सीट बिहार की जीत। एनडीए में सब लोग इंटैक्ट है, सब समय सारी बातें तय हो जाएगी और बैठक तय है, सिर्फ आगे आना है उसको। चिराग जी नाराज चल रहे हैं सर, क्या कुछ बातें नहीं चल रहे हैं? वो अपना कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इन दावों की हवा तब निकल जाती है जब जेडीयू के विधायक और पूर्व मंत्री जमा खान कहते हैं कि हमें तो 17 से कम सीटों पर समझौता करना ही नहीं है। हमारे नेता आज या कल में आ जाएंगे, बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा। सब जितने सीनियर लीडर हैं, बैठ कर बात लगभग बन ही चुकी है, बात तो हो भी चुकी है, बहुत जल्द क्लियर आपके सामने हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे दल इस बार आप लोग के सब लोगों को लेकर चलना है, सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोगों को लेकर चलना है। एक तरफ इंडी और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ सियासी दल इस फिराक में लगे कि किसी भी गठबंधन से उसको न्योता मिल जाए। पप्पू यादव कहते हैं कांग्रेस पर उन्हें भरोसा है, कुछ तो फैसला वो लेगी, नहीं तो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी तो वो कर ही रहे हैं। पूरी तैयारी है, सीमांचल कोसी है, मिथिलांचल है, हमारे सुपौल है, मधेपुरा है, अररिया है, पूर्णिया है, तैयारी तो जनता करती है, हम तो करते नहीं है, तैयारी हमारे वर्कर करते हैं। तो आज जो 2-3 लाख भीड़ आई पूर्णिया में, तो हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे इस बार? नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं कह सकता कोई बात, मैं अभी इतना मैं बता दूं कि मेरी लड़ाई बिल्कुल, मैं अकेले पूर्णिया से लड़ने की तैयारी है। मतलब साफ है, गेंद अभी भी आला कमान के पाले में है, दोनों ही गठबंधन में तलवारें खींची हुई है, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं और ऐसे में प्रत्याशी ताक में बैठे कि उनकी किस्मत का फैसला क्या होगा। भारत 24 के लिए पटना से सहयोगी अस्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।